हेलो एवरीवन, सो हैप्पी कि आपने इस वीडियो पर क्लिक किया और आप ये वीडियो देखने वाले हैं। बट बिफोर दैट, 8449905766 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिस पर आप अपनी सारी करियर क्वेरीज सेंड कर सकते हो। एंड टू ऑल द स्कूल्स एंड कॉलेजेस जो भी हमारे सेमिनार्स एंड वर्कशॉप्स कंडक्ट करना चाहते हैं, दे कैन मेल अस ऑन sarthak@planetstudy.in। एंड फॉर नाउ enjoy the video. Hello everyone, Sarthak this side from Planet Study. I welcome you all to the RRB Ajmer video. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे brief about the RRB, different types of exam and selection procedure. So A to Z complete information आपको इस वीडियो में मिलेगी. Let's start with the brief about the RRB. RRB Ajmer setup हुआ था 1983 में और ये आता है Ministry of Railway, Government of India के अंडर में. RRB Ajmer North Western Railway and West Central Railway से related exams conduct करता है. एक पूरी टीम है जहाँ पर चेयरमैन, मेंबर सेक्रेटरी, असिस्टेंट सेक्रेटरी एंड सपोर्टिंग नॉन गैजेटेड स्टाफ आरआरबी अजमेर की फंक्शनिंग में वर्क करते हैं। और अब बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जाम्स की जो आरआरबी अजमेर कंडक्ट करता है। नंबर वन, आरआरबी अजमेर ग्रुप डी, ये एग्जाम टू पार्ट्स में डिवाइडेड है। पार्ट वन दैट इज सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एंड पार्ट टू पीईटी दैट इज फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। जैसे ही आपके दोनों एग्जाम्स कंप्लीट होते हैं आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है। नंबर टू, आरआरबी अजमेर मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी एग्जाम, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के थ्रू यहां पर रिक्रूटमेंट कंडक्ट होता है और डिफरेंट पोस्ट लाइक जूनियर स्टेनोग्राफर, इंग्लिश एंड हिंदी स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर, जूनियर असिस्टेंट, इन डिफरेंट टाइप की पोस्ट के लिए स्टूडेंट यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। पेपर नंबर थ्री, आरआरबी अजमेर पैरामेडिकल कैटेगरी एग्जाम, अगेन ये भी है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है जहां पर आपको 100 क्वेश्चंस 90 मिनट्स में अटेम्प्ट करने हैं। डिफरेंट जॉब्स लाइक डाइटिशियन, फिजियोथेरेपिस्ट एंड स्टाफ नर्स से रिलेटेड रिक्रूटमेंट यहां पर कंडक्ट होता है। एग्जाम नंबर फोर, आरआरबी अजमेर एनटीपीसी एग्जाम, ये एग्जाम भी टू पार्ट्स में कंडक्ट होता है एंड डिफरेंट पोस्ट लाइक कॉमर्शियल अप्रेंटिस, गुड्स गार्ड्स एंड स्टेशन मास्टर के लिए आप यहां पे अपीयर हो सकते हो। एज क्राइटेरिया यहां पर अप्लाई करने का है 18-30 इयर्स एंड थाउजेंड्स ऑफ वैकेंसीज एनटीपीसी के लिए आरआरबी नोटिफाई करता है। एग्जाम नंबर 5, आरआरबी अजमेर जेई, ये एग्जाम भी अगेन टू पार्ट्स में डिवाइडेड है एंड 15 टाइम्स ज्यादा स्टूडेंट्स का यहां पर सिलेक्शन होता है फॉर स्टेज 2। अगर टोटल वैकेंसी है 100 तो 1500 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होता है। डिग्री एंड डिप्लोमा स्टूडेंट्स दोनों इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं और एज क्राइटेरिया होता है 18-33 इयर्स। एंड फाइनल एग्जाम इज आरआरबी अजमेर एएलपी, ये एग्जाम भी टू पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट एग्जाम होता है 60 मिनट्स का एंड सेकंड एग्जाम होता है 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स का। थाउजेंड्स ऑफ वैकेंसीज आरआरबी यहां पर नोटिफाई करता है खासकर की एएलपी पोस्ट के लिए। डिफरेंट टाइप की वीडियो भी हमने आरआरबी एएलपी से रिलेटेड बना रखी है, आप उनको भी चेकआउट कर सकते हो। जितने भी एग्जाम्स हमने अभी तक डिस्कस किए हर एग्जाम में 1/3 मार्क की नेगेटिव मार्किंग होती है, इसलिए एग्जाम ज्यादा कॉम्पिटेटिव लेवल के होते हैं। सारी इंपॉर्टेंट डेट्स फ्रॉम डेट ऑफ नोटिफिकेशन टू डेट ऑफ रिजल्ट हम डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देंगे। इतने सारे एग्जाम्स हैं ना तो उनकी डेट शीट भी डिटेल्ड होगी, तो जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आता है वहां पर मेंशन कर देंगे, आपको इधर उधर कुछ भी सर्च करने की जरूरत नहीं है। अब आरआरबी का एक प्रिस्क्राइब्ड सिलेक्शन प्रोसीजर है जो आपको फॉलो करना होता है। सबसे पहले आरआरबी एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन डिफरेंट नेशनल, स्टेट एंड लोकल न्यूज़पेपर में पब्लिश करता है और ये नोटिफिकेशन वेबसाइट पर भी रियल टाइम बेसिस पर अपडेट हो जाता है। एप्लीकेशन एंड फीस आप ऑनलाइन सबमिट करते हो। एडमिट कार्ड आने के बाद एक प्रिस्क्राइब्ड डेट में आपका रिटन एग्जाम कंडक्ट होता है। कोई इंटरव्यू में आपको अपीयर नहीं होना पड़ता। कुछ कैटेगरीज में आपके लिए सेकेंड स्टेज एग्जाम भी कंडक्ट होता है और वो एग्जाम क्लियर करने के बाद आपका एक एप्टीट्यूड टेस्ट भी होता है। फाइनली ये सारा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को सबमिट किया जाएगा और मेरिट बेसिस पर आपका सिलेक्शन कंप्लीट होगा। डिफरेंट एग्जाम्स की वैकेंसीज के अकॉर्डिंग एक एक्सपर्ट पैनल कुछ डिफरेंट नेम्स को रिकमेंड करता है। उन सब का एक मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है और उसी के साथ फाइनल रिक्रूटमेंट कंप्लीट हो जाता है। सो ये थी एक क्विक वीडियो आरआरबी अजमेर से रिलेटेड। आपका अभी भी कोई डाउट है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की। और आपके लाइफ में किसी भी मोड पर आपको अगर करियर काउंसलिंग रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, बिकॉज करियर काउंसलिंग मींस प्लैनेट स्टडी। और हम मिलते हैं ना नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।